हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो 6 बज रहा है अभी और पानी बरस रहा था, बहुत देर से पानी बरस रहा था। और आंगन का हाल दिखाते हैं आप लोग को। हम लोग ना बहुत देर से आंगन में ही परेशान थे और पानी ना ऊपर से काफी ज्यादा हुआ। ये देखिए बाल्टी लग गई है और पूरा हम लोग अभी सुखाए। और इधर देखिए, जब पानी बरसता है या आंधी तूफान जब तेज से चलता है ना, तो आम ऊपर से पका 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 एकदम गिरने लगता है। ये गरीब में है और जिया यहाँ पे बैठी हुई है। और आज ये घर से ना जल्दी आ गए, क्योंकि आज संडे है, तो संडे के दिन वो लोग 4 बजे ही चले जाते हैं काम वम करके, तो वो लोग चले गए हैं। और बरसात के मौसम में बताइए क्या खाने का मन करता है? चाय तो वैसे हम लोग पी लिए, लेकिन बताइए बरसात के मौसम में क्या खाने का मन करता है? तो पकौड़ी। तो चलते हैं, अभी सोच रहे हैं ना थोड़ा सा पकौड़ी बना लेते हैं, मन कर रहा है। बरसात का मौसम है तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, तो चलते हैं पकौड़ी बनाते हैं। बाकी सब काम हो चुका था किचन का, तो चलिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए पकौड़ी। लेकिन पकौड़ी बनाने से पहले बनाते हैं एक नई रेसिपी जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती है और आपके बच्चे भी अगर मार्केट वाला मकेन का जिद करते हैं तो बस अब से वो बंद मार्केट वाला, और घर में ही बना दीजिए मकेन। तो यहाँ पे मैं ना 3 आलू ली थी, आलू को छील लिए और उसके बाद इसको कर दिए हैं कद्दूकस। और उसके ऊपर मैं कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ को भी कद्दूकस कर देते हैं। वैसे तो आजकल ना ये जो है ये वाला मत लीजिएगा, आजकल ग्राइंड किया हुआ आता है ना चीज़, वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे ना कद्दूकस करते करते हाथ दर्द हो जाता है। ऊपर से फ्रीजर से निकालिए ना तो पकड़ाता भी नहीं है, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो मैं बार बार उसे रख दे रही थी और उसके बाद कर रही थी। अगर आपके पास टाइम हो, मैं तो अचानक में बनाना स्टार्ट करी ना, नहीं तो इसे पहले ही निकाल देती ना, तो ये सॉफ्ट हो जाता। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है चीज़ को और उसके बाद इसमें डालेंगे ब्रेड। तो ब्रेड के जो साइड वाले जो स्लाइस है ना उसको निकाल दीजिए, उसको कट कर दीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी लगता है। तो अब जब बच्चे ये वाला खा लेंगे ना तो मकेन की जिद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ना ब्रेड को मैंने एकदम अच्छे से मैश कर लिया और यहाँ पे 2 डाले हैं अभी और फिर 1 मैं ना बाद में डालती हूँ, जैसे कि जब सानते हैं ना तो उससे अंदाज़ा लग जाता है, तो आप थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और ये सब क्या है ना, बाइंडिंग का काम करता है, क्योंकि चीज़ आपको पता ही है कि जब गर्म होता है ना तो वो और फैलने लगता है। तो बस बाइंडिंग के लिए मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और वो ब्रेड डाल रही हूँ। अब इसमें डाल दिए हैं नमक, हल्दी और लाल मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। और उसके बाद मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। आप लोग ना इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा चटपटा वाला आता है ना, तो फिर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर। अधिकतर मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मैं ब्लैक पेपर ज़रूर डालती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और अब इसे ना अच्छे से सान लीजिए, एकदम डो तैयार कर दीजिए, वो जो आटे वाला होता है ना उस तरह से। और अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा गीला गीला लग रहा हो ना तो ब्रेड की स्लाइस 1-2 और उसमें डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सान रही हूँ और उसके बाद मैं 1 ब्रेड ना और डाल देती हूँ, जो कि मैं इसमें दिखाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने इसमें 1 ब्रेड और डाल दिया था, क्योंकि अभी आलू है चीज़ है थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर बाद में ना बेलने में प्रॉब्लम होगी इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं एकदम अच्छे से इसका डो तैयार कर दी हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिए थे। और प्याज काट के रखे थे पकौड़ी के लिए, तो प्याज में डाल दिए हैं बेसन और हल्दी, नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं। तो बस पकौड़ी यहाँ पे तैयार। बरसात के मौसम में ना पकौड़ी का तो अलग ही मज़ा होता है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल के इसको सान के इसे भी थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हमारा मकेन तैयार हो जाएगा। अब वो उसको मकेन का नाम दें कि क्या नाम दें ये नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत ही यमी लगता है, बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। तो बस यहाँ पे पहले पकौड़ी का वो तैयार कर दे बेसन
और उसके बाद फिर बनाएंगे मकैन। और बहुत इजी रेसिपी है, बच्चे जो भी देख रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से जरूर जिद करिएगा ये बनाने के लिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको बहुत पसंद आएगा। सॉस के साथ एकदम डिप करके खाइएगा। तो आगे चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना चौका निकाल दिया, बेलना चौका, हाँ चौका निकाल दिया है, बेलना ले लिए थे लेकिन बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उस पर ना मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दी, क्यों, क्योंकि वो बेलने में आसानी रहेगा और निकालते समय भी ना आसानी रहेगा। और ऊपर से भी हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा दिए थे और बस इसे लंबा लंबा ऐसे कट कर दिए रहे हैं ताकि बच्चे ना पकड़ने में अच्छा रहेगा और देखने में अगर अच्छा लगता है ना तो खाने में तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने इसे ना लंबा लंबा एकदम स्लाइस करके, और एकदम देखिए आँच एकदम डिम है, बहुत तेज आँच पे मत डालिएगा, नहीं तो आलू है ये सब ना तो ऊपर से एकदम करारा लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो आँच एकदम मैंने धीमी रखा है। थोड़ा देर इसको ऐसे पकाने के बाद ना हल्का सा देखिए मैंने आँच ये देखिए तेज कर दिया, क्योंकि अंदर से पक चुका है लेकिन ऊपर से इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो बच्चों को मज़ा आ जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी वाला आ जाए। तो मैंने यहाँ पे आँच एकदम तेज कर दिया है और फटाफट इसे फ्राई करते हैं और गर्मा गर्म बच्चों को देते हैं खाने के लिए। और जिया, आपको पता ही ना कि मेरे घर में कुछ भी बनता है तो जिया आना जाना करती रहती है। ये बच्चों की आदत होती है, हम लोग की भी, कि घर में अगर कुछ बने ना तो बस ऐसा लगता है कब मिल जाए। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि अंदर से ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा रह जाए। और अब इसे निकाल देते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। और आप चाहें ना तो इसको जब फ्राई करके जब निकाले तो ऊपर से भी चाट मसाला हल्का सा इसमें छिड़क दें तो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी मसाला है, अंदर चाट मसाला है तो मैंने ऊपर से नहीं डाला। और अब इसमें तेल में डाल देते हैं पकौड़ी डाल देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना। तो आप लोग को तोड़ के दिखाएंगे कि अंदर कैसा लग रहा है, और एकदम अच्छे से पक चुका था। तो पकौड़ी ज़्यादा नहीं बना रहे क्योंकि मुझे उतना खाना ही नहीं है, और यही खाएंगे जो थोड़ा बहुत होगा तो यही खाएंगे। तो बस हाथ धो के आ गए हैं और आप लोग को तोड़ के दिखाते हैं। तो ये देखिए अंदर से ना बड़ा मज़ा आ रहा है, ऊपर से चीज़ रहे तब तो वाह। तो जिया सब लोग खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, इनको भी बहुत पसंद है। तो जिया जबकि गुस्सा भी रही है कि आपके लिए बन रहा है ना, लेकिन फिर भी ये सब लोग, अगर आपके यहाँ मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे पहले ही डो तैयार करके रख दीजिए, और जैसे ही मेहमान आए ना तो आप गर्मा गर्म छान के दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं चटनी पीसने जा रही हूँ, और चटनी भी एकदम नई नई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये मेरे लिए तो बहुत पुरानी, मुझे बहुत पसंद है। तो आम का जो अचार अभी डाले थे ना, तो इसमें एक आम का अचार ले लिए हैं और हल्का सा मसाला भी ले लिए। और अब इसमें डाल दे रहे हैं लहसुन और हल्का सा जीरा, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे और नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए हरी मिर्च डाल दिए, पहले तीन डाले थे एक और डाल दिए, और उसके बाद ना इसमें हल्का सा नमक डालिए क्योंकि अचार में ऑलरेडी नमक है ना। तो बस यहाँ पे नमक डाल दिए हैं, और एक बार पकौड़ी को पलट पलट दें ताकि ऐसा ना हो कि सील पे पीसने जाएं तो जल जाए। तो ये देखिए मैं चटनी पीस कर ले आई और पकौड़ी भी बन के एकदम रेडी हो गया है। तो चलिए फिर गर्मा गर्म पकौड़ी खाते हैं, और आम के अचार की चटनी भी है, और एक बार चटनी भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का, उसके बाद मैं कोई भी क्लिप नहीं बना पाई, यानी कि ब्लॉग ही अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग का है, ये दूध लेने के लिए गए हैं, और उठ चाय वाय पीने के बाद ना मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ और रिप्लाई करती हूँ, कुछ देखती रहती हूँ कि रात भर में क्या क्या हुआ चैनल पे, और साथ में बाहर का भी। मैं सुबह सुबह ना, मौसम बहुत अच्छा था, एकदम घेरा हुआ था, और हम लोग को अब कहीं और जगह नहीं है कि बैठे, नहीं तो आंगन आंगन होता तो वहाँ पे बैठते, या बालकनी होता वहाँ पे बैठते, लेकिन अब कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे मैंने बाल्टी में ना पानी भर के रख दिया है, वाइपर भी एकदम रेडी रखे हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं धो रहे हैं। रीज़न ये है कि बगल वाले भैया ना अभी ऑफिस नहीं गए, और अच्छा नहीं लगता ना कि उनके ऑफिस जाने से पहले यहाँ धोना धाना शुरू कर दो, तो मैं चाहती हूँ कि वो चले जाएं उसके बाद धोऊं। तो यहाँ पानी उनी सब कुछ रेडी करके रखे हैं, बस इनका देखिए भैया निकले अभी फिर गए क्योंकि वो हेलमेट भूल गए थे, तो वो चले जाएं ना उसके बाद सीढ़ी धो के फिर फुर्सत हो जाए। ये भैया निकले,
और चलिए चलते हैं सीढ़ी धोने के लिए। भैया आधे दूर तक निकल गए हैं, तो मैं यहाँ पे एक बाल्टी उठाई और गई पानी डाल के, और उसके बाद फिर आके एक बाल्टी रख देंगे, और उसके बाद भी दो दो बाल्टी पानी ला के ना सीढ़ी पे, दो बाल्टी ऊपर लगती है और दो बाल्टी नीचे सीढ़ी पे लग जाती है, तो कुल मिला के चार बाल्टी में पूरा सीढ़ी धुला जाता है। और रोज़ तो भाभी धोती हैं, अगर मैं अभी नहीं धोंगी ना फिर चली जाऊंगी वीडियो की एडिटिंग करने के लिए, फिर लेट हो जाता है, तो बगल वाली भाभी को ही धोना पड़ता है। तो बस यहाँ पे ना जैसे ही सीढ़ी धो के आए ना, तो बाल्टी मुझे बहुत गंदी लग रही थी, जबकि बाल्टी का यूज़ हम लोग के यहाँ नहीं होता है, वो रखे रखे इतनी गंदी हो जाती है, क्योंकि ऊपर रहता है पानी बरस रहा है, डस्ट गिरता है ना, तो वो रखी रखी गंदी हो जाती है। और आजकल तो पानी जब बरसता है तो आंगन में भी रखाता है ना, तो भी तो यहाँ पे मैं सोची लाओ लगे हाथ ना बाल्टी धो दूँ, और हल्के फुल्के में ही धो दीजिए ना, तो फिर बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं होती है ना, तो फिर बाद में रगड़ते रहो उसकी शाइनिंग भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं बाल्टी धोना स्टार्ट की, और मैं बताऊँ तो ये काम ना शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी ये सब चीज़ पसंद नहीं था, और जिया को भी नहीं पसंद है ये सब चीज़, बाल्टी दो तो ये दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। लेकिन हाँ, अब शादी के बाद ये सब मजबूरी है, अब तो आदत हो गई, अब बेकार भी नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि हाँ पहले घिन लगता था लेकिन हाँ अब नहीं लगता है, अब तो अपना काम है तो काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों बाल्टी एकदम चमक चुकी है, और ये ना बाल्टी धोने वाला, ये बेसिन धोने वाला, मैंने एक ना बर्तन धोने वाला जो नया रखा था वो मैंने यहीं पर निकाल दिया है, इसे धो के फिर बाथरूम में ही रख देते हैं, और जब भी ये सब धोना होता है या तो बाथरूम का टब धोना होता है तो यही सब यूज़ करते हैं, अंदर से नहीं लाते हैं, अलग अलग रहता है ना तो टेंशन एकदम फ्री रहता है। तो बस यहाँ पे सर्फ डाल के अच्छे से बाल्टी धो दिए हैं, और दोनों बाल्टी चमक गई है, और मेरे यहाँ ना बाल्टी बहुत दिन तक चल जाती है। और ये वाली जो बाल्टी थी ना, ये मुझे टाइड जब हम लोग 5 किलो लिए थे, याद है साल भर उससे ज़्यादा ही हो गया, लेकिन अभी तक एकदम नई है, तो कभी कभी फ़ायदा हो जाता तो बस यहाँ पे दोनों बाल्टी धो चुके हैं, और काई बहुत लग गई है, क्योंकि बरसात के मौसम में ना हमेशा पानी, यहाँ पे पानी पानी रहता है तो काई लग जाती है। तो इनसे बोले हैं कि ब्लीचिंग पाउडर ले आइए, ब्लीचिंग पाउडर लगा दीजिए, लगा क्या दीजिए, बस छिड़क दीजिए, और थोड़ा देर बाद एकदम काई साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मसाले वाला डब्बा भी ले आई, जब एक काम करना स्टार्ट करिए ना तो बहुत पहले का जैसे होता है ना कि ये काम एकदम टालम टोल हो रहा था, तो जब स्टार्ट करिए तो ऐसा मन करता लाओ ये भी करके हटा दे, ये भी करके, बस शुरुआत करने भर की देरी होती है। तो मसाला वाला डब्बा भी ले आए हैं, जीसू ना उस दिन कुछ मसाला निकाल रहा था, कुछ चाहिए था तो सारा मसाला गिरा दिया था और बहुत मिक्स कर दिया था, तो गंदा भी हो गया था, मैं बोली लाओ फटाफट धो के और इसे भी हटा ही देते हैं। तो जो बर्तन वाला था ना वही ले आए और उसी से धो देते हैं। अब अंदर जाओ किचन में उतना जगह नहीं रहता, खड़े खड़े ये सब चीज़ करने में ना उलझन होती है, और आंगन में क्या होता है कि बैठ जाओ इत्मीनान से और उसके बाद बढ़िया से साफ़ हो जाता है, बैठ के ना अच्छा साफ़ भी हो जाता है। तो ये वाला एकदम अभी नया है, मेरे ख्याल से 4 महीना 5 महीना हुआ होगा ये लिए हुए मसाले वाला डब्बा, और मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी है। अभी भी देखिए धो दिया ना तो एकदम चमक गई है, ना तो टूटा है ना तो कुछ। तो मसाले वाला डब्बा अभी अंदर रख कर आए हैं, और पाइप भी निकाल दिए, पाइप बाथरूम में ही रहता है, और पीढ़ा भी बाथरूम में रहता है, और जो स्कॉच ब्राइट था वो भी मैं बाथरूम में रख दी, और अब इधर का पानी भी हटा दे क्योंकि काई तो ऑलरेडी एकदम लगा हुआ है, और फिर पानी पानी रहेगा ना तो बच्चे आएंगे तो बच्चे गिर जाएंगे। तो बस यहाँ पे हैंड वॉश कर लेते हैं, और जब अंदर आए तो याद पड़ा कि आज इधर तो पोछा लगाए ही नहीं थे, क्योंकि बाहर से ना जब भी सीढ़ी धोइए तो पोछा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो पूरा आंगन ना, अरे पूरा आंगन कह रहे रूम पूरा पानी पानी रहता है, तो कोई भी स्लिप कर सकता है और गंदा भी लगता है। तो पोछा सूख चुका है, और यहाँ पे मैं मसाला वाला जो डब्बा है ना इसका पानी सुखा रही हूँ, नहीं तो फिर वो पानी रहे, और भी मुझे मसाला इसमें भरना भी है क्योंकि तुरंत तुरंत का काम हो जाएगा ना, तो सही है धूप तो निकलने वाली है नहीं कि इसे धूप में डाल दो, तो इसे मैं पोछ पोछ के ही सुखा रही हूँ, और उसके बाद फिर इसे पंखे के नीचे रख देंगे ना तो वो अच्छे से एकदम सूख जाएगा। तो ये देखिए, और मुझे ना यहाँ पे बैठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं है, और दोनों बच्चे तो एकदम
एकदम परेशान कर दिए मुझे, सोच सोच के मैं क्या बोलूँ, मेरा काम आधा आधा ना अटक जाता है इन लोग के चक्कर में, तो बस यहीं पे बैठ जाते हैं। बाहर का भी देखते, भाभी उतना बाहर निकलती नहीं है, और ऊपर का क्वार्टर है तो किसी का आना जाना भी नहीं है, तो एकदम निश्चिंत होके यहाँ पे बैठ के ना अपना काम कर सकते हैं। तो ये पोछ दिए हैं एकदम अच्छे से, और अब ले जाके ना अंदर वाले रूम में पंखे के नीचे रख देंगे, तो आधे एक घंटे में सूख जाएगा। तो अभी सुबह का हो रहा है 9:10, और ये घर चले गए हैं क्योंकि सब आ गए होंगे, और जैसे ही गए तैसे ही ना पानी बरसने लगा। देखिए ये सीढ़ी से आपको पता चलेगा, देखिए तो मेरा इधर का ना सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा। अभी दोनों रूम में कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चे सो रहे हैं इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। और ये दूध लेकर आए तो इनके लिए मैं पराठा बना के रखी थी, चाय पराठा, कि ये नाश्ता कर लें तो फिर जाएं, लेकिन ये नाश्ता नहीं किए, बोले कि इनका पेट थोड़ा ना भरा भरा सा है, बोले कि मन नहीं कर रहा। तो मैं बोली कि अब ठीक है, तो ये नहीं करेंगे तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पराठा ना ठंडा हो जाएगा तो बच्चे तो खाएंगे नहीं, तो क्यों ना हम ही नाश्ता कर ले। तो भूख भी लगी हुई है, 9 बज गया और ये लोग ना 12 बजे से पहले नहीं उठने वाले हैं, तो चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो चाय अभी चढ़ाए हैं गर्म होने के लिए, तो तब तक अपने जगह तैयार कर ले कि नाश्ता कहाँ पे करना है। तो खिड़की के पास बैठ के नाश्ता करने में ना मज़ा आता है, क्योंकि देखते रहिए और नाश्ता करते रहिए। तो अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे, दोनों लोग बात कर रहे थे, फिर ये चले गए ना, तो वो वैसे ही था। और जब अभी जीशु उठेगा उसके बाद फिर इधर का बिस्तर भी ठीक होगा। चादर भी देखिए फट गई है, बच्चे फाड़ दिए, मेरे ख्याल से कैंची लगा दिए। और यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी है, पराठा है और चाय है, बस और क्या चाहिए जीने के लिए, पराठा चाय बस यही मिल जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही नाश्ता कर रही थी ना, तो मैं बाहर देखी तो एकदम बादल घेरा हुआ, एकदम काला बादल है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं, तो बाहर चलते हैं और ये दिखाते हैं। मैं देख रही थी कि अब पानी भी बरस रहा है, वो देखिए कितना ज़्यादा एकदम घेर दिया है, पानी बरस रहा था ना, तो फोन पे भी बूंदाबांदी हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी से अंदर आ गई। और ये देखिए बहुत तेज पानी आने वाला, एकदम उधर से घेरा हुआ है ना, खिड़की में से देखे तो मेरा मन किया चलो चलो और एक तो टेंशन होने लगता है क्योंकि आंगन में फिर पानी बरसने लगेगा। तो नाश्ता कर ले फिर मिलते हैं। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और बारिश बहुत तेज हो रही है, और अंदर से ना पानी भी चूना स्टार्ट हो गया है, तो फटाफट बस बाल्टी लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए इतना उड़ उड़ के गए फिर भी मैं भींग गई और यहाँ पे लाके और दोनों बाल्टी रख देते हैं और देखते हैं कि कितने देर तक ये बाल्टी झेल पाता है। और एक बाल्टी वहाँ पे रख दिए, एक बाल्टी यहाँ पे रख दिए। तो पानी तेज हो गया है और बाल्टी लगा दी है ताकि अगर पानी नहीं छुएगा ना तो बाल्टी में ही रहेगा। और चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आए हैं नए, बस नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, लाइक करते हुए जाइएगा।